बड़ा हेडेक जो होता है ना हम सबके दिलों में दिमाग में, इस अपने गृहस्थ का टेंशन, अपने शरीर का टेंशन, अपनी माया को संभालने का टेंशन, जो हम ड्यूटी फर्ज समझते हैं ना अपने सिर के ऊपर, उसको राइट करने का टेंशन, ड्यूटी फर्ज का हमको नहीं है टेंशन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को करना है। फिर देखो जितना मेरे अंदर में विश्वास है, जितना मेरे अंदर में ज्ञान जाता जाएगा, उतना मैं हल्का होता जाऊंगा, हल्का होता जाऊंगा। कि ये भी हम संभालने जाएंगे तो हमको बहुत मुश्किल लगेगा, पर आप बोलो ना कि ये घर भी भगवान तेरा, ग्रस्त तेरा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो देखो कैसे आके संभालता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये बात कह नहीं सकते, हम कह तो देते हैं, लेकिन मन की वासना मेरे को फ्री छोड़ती नहीं है। हमको उसमें बहुत रस आता है, हमको बहुत रस आता है या नहीं, हमको अपना टेंशन में भी रस आता है, हमको मालूम ही नहीं है कि सरेंडर करना है तो कैसे करना है। है क्या, जब हमारे वश के बाहर हो जाता है ना कुछ भी, तब हम पुकार करते हैं, तब हम सरेंडर की बात करते हैं। पर व्हाट इज एक्चुअल सरेंडर, मेरी एक बात समझो, फिर से गहराई से समझना, सरेंडर ओवरनाइट नहीं होता है, सरेंडर ख्याल का विषय नहीं है, सरेंडर हार के बैठ जाकर अब बोलना कि भगवान अब तेरे ही हाथ में है, ये भी सरेंडर नहीं है। सरेंडर है घड़े को बूंद बूंद करके जो पानी पड़ता है तो एक दिन घड़ा भर जाता है, सरेंडर के अलावा मेरा मन और कुछ कर ही ना पाए, क्योंकि मन को इतने अच्छे तरह से मालूम अब ज्ञान के कारण, अनुभव के कारण पड़ गया है कि पहले से ही मेरा कुछ था ही नहीं, तो मैं सरेंडर किसको करूंगा। अंदर में जब मेरे को ये बात समझ जाती है, बार बार हमको अपने मन में कौन सी बात ढालनी है, सेल्फ एनालिसिस, आत्मा, आत्मा की एनालिसिस, ये मैं आपको बोलती हूँ, ये रोजाना का काम है। रोजाना जैसे हमारी एक रूटीन होती है पूरे दिन में कि अभी उठकर ये करना है, वहां जाना है, इसको बोलना है, हम उठते ही फोन देखकर व्हाट्सएप में चले जाते हैं, किसने क्या मैसेज दिया उस पर भी गुम हो जाते हैं, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ऐसे ही अपनी चेकिंग पॉइंट हम कब करेंगे। हर चीज तो हम चेक कर लेते हैं, पोस्ट बॉक्स भी, ईमेल भी, ऑल एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं अपने को कब चेक करूंगा। देखो संतों, सीखना ठीक है, मैं हर चीज सीखूं, पर आई डोंट लाइक सीखना ओनली एट अ फिजिकल लेवल, ओनली एट अ स्कूल लेवल, ओनली इन द शब्दों का लेवल, नो। इतना अंदर में ज्ञान को चूस कि चक्षु हम खोल दें, ओपन योर इनसाइट्स फॉर इंटरनल ट्रुथफुल एक्सपीरियंसेस वेयर वर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे शब्दों की जरूरत ही ना पड़े, खाली गुम होने का मेरे को एहसास होता जाए। जितना आप गुम होते जाओगे उतना आपको सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, वो साक्षात आकर आपका हर चीज इतनी स्मूथली करेगा, आपको खुद ही आश्चर्य होगा, एंड यू विल रियली बी सरप्राइज्ड कि भगवान मैं तो इतना लायक भी नहीं था, पर कैसे तू मेरी हर हर बात को तू कितनी सीरियसली लेकर कितनी अच्छे से तू निभाता है। हम भी क्या किसी के साथ निभाएंगे जो निराकार हमारा भगवान और हमारा गुरु साकार जो हमसे सच्चाई से निभाता है ना, हम भी किसी के साथ इतना सच्चाई से कोई भी रिश्ता निभा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में बीच बीच में खंबे में वासनाएं अटकी हुई हैं, मी एंड यू अटका हुआ है, मेरा तेरा अटका हुआ है, अभी भी मुझे आगे जाना है, अभी भी मुझे सीखना है, अभी भी मुझे पाना है, अभी भी ऐसा है, अभी भी वैसा है। राइट नाउ आई एम स्टक एंडलेसली, इंटरनली स्टक एंडलेसली, सियर रूप में बैठकर अपने सियर पने में मैं
आनंद उठा सकता हूँ या नहीं। कितने करोड़ देवता हैं, तो वो देवताएं क्या करते हैं, अगर हम उनको खुश करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो इन रिटर्न हमारी सेवा करते हैं, इन रिटर्न वो हमारी बात सुन के हमारी लाज रखते हैं। तो ये 33 करोड़ देवता कौन है? इंक्लूडिंग योर बॉडी, इंक्लूडिंग ऑल योर इंद्रियाज, इंक्लूडिंग ऑल द योगीज अराउंड यू एंड एवरीबॉडी। मतलब जो भी तुमको दिखाई दे रहा है इन आंखों से, जो चलती फिरती बींग्स हैं, वो सब सारे देवता ही हैं। हमको क्या करना है? बोला चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एंड होम डजंट मीन ओनली कि आपके ये चार दीवार हैं और इन चार दीवारों में जो चार बंदे रहते हैं, भगवान ने बोला, आज दीदी ने बोला चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो ही मेरे देवी देवताएं हैं। हाँ है जरूर, अब वहां पे अगर आपका द्वेष का इतना भी बीज है तो उसको खत्म करें, उसको खत्म करें। संतों एक बात फिर से, अभी आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर एंड अगेन जॉइन यू विद अनदर पॉइंट व्हिच इज कि हमारे अंदर में शुभ संकल्प भी बंधन का कारण बनता है, शुभ संकल्प भी बंधन का कारण बनता है। आप अपने ही सुख के लिए, नंबर वन, नंबर टू, आप अपने ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी संकल्प करते हैं ना, तो वो भी बंधन का कारण बनता है। कैसे? बोला मैंने, मतलब क्या? मतलब कि अरे मैं तो बहुत अंदर ही अंदर स्टक हूँ, मैं तो बहुत ही अंदर अंदर डाउन में हूँ, मेरे को तो ऐसे आगे बढ़ना है, मेरे को तो वैसे आगे बढ़ना है, मेरे को वो सेवा नहीं, मेरे को ये सेवा नहीं, मेरे को तो ऐसे रहना है। इट इज नाइस टू कीप योर सेल्फ अंडर सेल्फ डिफेंस इन अ वे कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, लेकिन अभी हमको वो भी क्रॉस करना है और गहरा उतरना है अंदर में खाली। आज मेरा मैसेज आपकी ये है कि अंदर में बुद्धि का विनाश, अंदर में खाली एहसास की जय जयकार। बुद्धि टर्म्स एंड कंडीशन सेट करती है, बुद्धि ही अंदर ही अंदर आइडेंटिफाई करती है आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मैं बोलती हूँ माइंड ही तो है संतों, उसका स्टेट ही तो है, वो चेंजेबल ही तो है। इतना हम अपना सच उससे क्यों जोड़ के रखते हैं? प्लीज उससे भी चढ़कर ऊपर बैठो और गहरा उतरो। यू कैन डू इट, यू हैव द पोटेंशियल। आप क्या नहीं कर सकते हो? आप बोलते हो जीवन बनाना मेरे हाथ में है, करेक्ट। हाँ आपने बोला, आपने सुना, मैंने भी बोला, मैंने भी सुना, लेकिन हम जीवन बनाते हैं तो खाली बाहरी रूप में। एक दूसरा, हम सोचते हैं कि हमको अभी भी ऐसी समझ लानी है तो मेरा जीवन बनेगा। हाँ वो भी राइट है, लेकिन अब समझ बनाने की भी टेंशन हमको खत्म करनी है। समझ को जानता कौन है, उसको देखता कौन है, अब उस पर नजर फेरनी है। उसके बाद नजर जब फिर जाती है जानने वाले पर, टिकने लगती है, तो जानकर भी मेरे को क्या जानना है? दृष्टापना ठीक है, उसको जानने वाला सुपर ठीक है। उसके बाद उससे भी मैं खाली, खाली है और है। और एक बार एक टाइम ये भी आएगा, है का खाली एहसास है, पर उससे भी मैं आसक्त नहीं हूं। और ये इतना मुश्किल नहीं है संतों, ये इजी में इजी है। खाली गुरु के ज्ञान पे ध्यान दो, अपने मन पे ध्यान दो, वृत्ति थोड़ी अंदर की ओर डालो। समटाइम्स द माइंड फील्स वेरी सेफ एंड सिक्योर इन अ कॉम्प्लिकेटेड जर्नी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी में मन को थोड़ी सिक्योरिटी सी आती है कि अभी मेरे को ना और तप करना है, अभी मैंने पूरा महीने में ना मेरे को 20 दिन तो उपवास करना है, मेरे को इतनी आराधना करनी है, मेरा मन तो बहुत ही गंदा है, मैं पता नहीं क्या क्या करके आई हूँ। बहुत ही सुंदर मन ऐसा सोचता है, मैं नहीं बोलती गलत है, लेकिन जो यहाँ पर पहुंच गया ना वो आराम में आ जाए। क्या बोला भगवान ने? वो सारे
30 करोड़ देवता तुम्हारी सेवा में लग जाएंगे अगर आपने खाली एक ज्योत जगाई, वो है अपने ही मन में। कौन सी ज्योत जगाई की है ही निराकार, एक दूसरों के साथ हम इतने सुंदर ढंग से रहें, प्रेम प्यार से रहें, ऑब्जर्वेशन में रहें कि किसको कौन सी चीज की कमी होगी। क्यों हमको ऐसे बोला भगवान ने रहने को कि सामने वाले के अंदर कौन सी श्रद्धा जगेगी कि हाँ सच्ची बात है, अब भगवान मेरे लिए घट घट वासी के रूप में बैठकर मेरा योग शेम का भार उठा रहा है। क्या बोला, देवी देवता भव, मतलब हम सब देवी देवताएं ही हैं यहाँ पे संतों, यहाँ पे और कोई है ही नहीं। हर शक्ति आदि शक्ति, मतलब क्या आदि शक्ति, मतलब है ही वो एक, उसी शक्ति द्वारा कई छोटी छोटी भिन्न भिन्न शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि जठराग्नि उसको शक्ति, आंखों से रोशनी की शक्ति, दिमाग के अंदर में सोच विचार की शक्ति, दिमाग में दिमाग पना खत्म होने की शक्ति, उस ऊर्जा के एहसास की शक्ति, अंदर ही अंदर खून को तेजी से दौड़ने वाली शक्ति, दिल को धड़कने वाली शक्ति, हर चीज की नींद आ जाने वाली शक्ति, मृत्यु में खो जाने वाली शक्ति, जीवन प्रदान करने वाली शक्ति, ये सारी शक्तियां उस एक माता आदि शक्ति की ही बच्चे हैं। ये सारी शक्तियां देवी देवताएं ही हैं। पहले जब हम बैठते हैं अपने साथ, मन ही मन में इन सब को हमको नमस्कार करना है, नमन करना है, इनको अपने शरीर में दर्शन इनका करना है, करने के बाद इनको एज इट इज रहने देना है। ये सफाई का प्रोसेस है। दिस इज द हाईएस्ट एजुकेशन। अद्वैत में पहुंचने के लिए, अद्वैत समझते हैं ना, नॉन ड्वेलिटी, नॉन ड्वेलिटी खाली एक एहसास है संतों, व्यवहार में ड्वेलिटी सिद्ध होती है, पर नॉन ड्वेलिटी के एहसास के बगैर ड्वेलिटी में हम गिर कर फंस जाते हैं, कर्मों का अकाउंट चालू हो जाता है। सो हाउ डू यू डू अ प्रॉपर सेल्फ डिफेंस, नॉट बाय स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग एंड डूइंग थिंग्स एक्सटर्नली, बट बाय इंटरनली अंडरस्टैंडिंग, अंदर से मैं इस अद्वैत में, मतलब है ही मेरा परमात्मा, और वो बोलने वाला भी धीरे धीरे, ओवरनाइट नहीं संतो, ऐसी बात ही नहीं करना कि दीदी मैंने इतना आपसे सुना पर फिर भी मेरी मैं खत्म नहीं होती। संत ये मैं जोक नहीं है, बहुत बड़ा इंजन है जिसके पीछे बहुत बड़े ट्रेन है, डब्बे के पीछे डब्बों के पीछे डब्बे, इतने लेयर्स हैं अंदर, बोला ना। आपको कभी कभी आत्म साक्षात्कार भी, गुरु कृपा, उसके निष्काम बीज के कारण आपको वो थोड़ा थोड़ा आत्म दर्शन भी मिल जाएगा, लेकिन चित्त की जो वृत्तियां है ना, रह रहकर वापस आएंगी आपके अंदर में। चित्त की वृत्तियां, वो चित्त का पूरा खाली होने के लिए गुरु का ज्ञान और जीवन के अनुभव पर्याप्त है। ज्ञान और अनुभव के साथ हमारा चित्त धीरे 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 निर्वासनिकता तक पहुंच सकता है, और फिर उसके अंदर खाली प्रेरणा ही उत्पन्न होगी, उस प्रेरणा से ही आपका शरीर चलेगा, उस गहराइयों में आपका हक है। थोड़ा अपना मन चंचलता की ओर से हटा दो संतों, थोड़ा मेरे साथ अभी इस समय आंखों में आंख डालकर मेडिटेशन में उतरना। व्हाट इज मेडिटेशन? लाइक आई ऑलवेज से, इट्स अ वेरी सिंपल फोकस ब्रॉट अबाउट बाय योर इंटेंशन। आपका जो इंटेंशन है, आप वैसे कामों में लग जाते हो, ऐसे ही आपका इंटेंशन होवे कि मैं अपने मन को इस डायरेक्शन में लेके जाऊं, एंड सो बी इट। मन जो है आपका उस डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा, उसको हम बोलते हैं फोकस इंग्लिश में, है ना, और हिंदी में हम बोलते हैं ध्यान। कर्ता बन के ध्यान लगाना नहीं है संतो, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे करके ध्यान लगाऊं, मैं ऐसे बैठू, मैं ऐसे बैठू, मैं ऐसे बैठू, मैं ध्यान लगाऊं, वो शरीरों का विषय है, उसमें आपके मन के विकार नहीं जाएंगे।
वो शरीरों का विषय है, मन का विकार नहीं जाएगा। मन के विकार के लिए गहराई का ज्ञान में उतरना जरूरी है, मन की सफाई जरूरी है, और मन की सफाई आती है देखने से कि ये सारी इंद्रियां ही देवी देवताएं हैं। उनको हरि ओम शांति करो अंदर ही अंदर, मांगने से अपने मन को धीरे 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 खाली करते जाओ। जहां जहां आपको अपने मन के अंदर में अपनी प्रकृति मतलब अपने ग्रस्त का टेंशन होता है, धीरे 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 उस वहां से अपने कर्तेपने को थोड़ा 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 हटाते जाओ, थोड़ा थोड़ा वहां पे निराकार के दर्शन करते जाओ, थोड़ा थोड़ा घट घट वासी में उतरो संत, उस भाव में उतरो प्लीज। जब जब मेरे मन में ना विक्षेपता आती है, क्योंकि कभी ना कभी पाइपलाइन में मेरी मन की बात पूरी नहीं हो पाती है, तब तब वो घट घट वासी की भावनाएं वहां पे खत्म हो जाती है। सच के आगे ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि पूरा की पूरा सुखी भरा संसार भी खराब हो जाता है। I am telling you, this life is so beautiful, so gifted. मैं आपको कैसे बताऊं कि ये जो प्राण निराकार ने हमारे अंदर फूका है, हमारे अंदर क्या वो स्वयं निराकार अपने ही अंदर वो खुद ही प्राण रूप में प्रकट होता है। जब तक हमको ये बात नहीं समझ में आती, समझ में क्या अनुभव नहीं होती, तब तक हमको ये बात में तो कैच करनी है, उतरनी है कि सच में nothing is as important as enjoying your life for now through the spiritual समझ। बहुत जरूरी है कि मैं ये आध्यात्मिक समझ को लेकर चलूं, क्योंकि जब मैं आध्यात्मिक की लाठी लेकर चलता हूं ना, तभी जाके ऊंचाई से मुझे सच का थोड़ा 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 मालूम पड़ता है। मैं जीवन का सुख ले सकता हूं कि आखिर में ये प्राण मेरे अंदर फूका तो फूका क्यों, व्हाट आर आई सपोज टू गेट एट, मेरे को सीखना क्या है, जानना क्या है।